धन्यवाद। भाई बैठ जाओ, फिर से भी ये भाई साहब कोलम के जो सामने खड़े रिश्तेदार की बात करके बैठ जाए भाई, ये कोलम पर बैठने से बस बहुत बहुत धन्यवाद। एमडीसी भी बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ जी। भगवान कृष्ण की तरफ इस प्रकार से देखता है जैसे समुद्र के अंदर जल बीत जाए और मच्छी बड़ी बड़ी सांस ले कभी जाता है भी। गीता देख करके भगवान कृष्ण ने विचार किया, ये परमात्मा ऐसे को मालूम नहीं कि भगवान शंकर का वरदान लगा हुआ है, लेकिन ये भीम बल भूल हो रहा है। जब तक इसको बल याद नहीं दूंगा तब तक ये जयद्रथ को नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। उसी समय भगवान कृष्ण भीम की तरफ देख करके कहता कि कुंती का दूध भाग भाग उनका दो चीर करके उसी समय भगवान कृष्ण जो इस साइड का तुरखा था उसको इस साइड में भगाता है, और जो इस साइड का तुरखा था जिसको इस साइड में भगाता है वो बने याद करे कुंती पुत्र भीम। जिस दिन भगवान शंकर के पास में तुम चारों गए थे तो और दूसरा सर दर्योधन और कीचक, कीचक जरासन, ये तीनों के तीनों ये सोचा कि यार आपस सब भगवान के शंकर का वरदान लिया है, लेकिन यह को न बूझ रहा है कि आप मरा कहीं का हाथ से भीम जाकर के तू पर्वत के पेड़ की छाया में लेट जाता, कहने लग जाता कि यार थे तीनों बुझाओ, मैंने तो आप कह दीजिए मेरे वाई मंजूर से। भीम पेड़ के नीचे लेट जाता है और तीनों के तीनों चले जाते हैं, कौन दुर्योधन कीचक और जरासन। भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु एक बात पूछना बोलो भग ऐसी कि मैं मरा कहीं का हंसीगा और फिर कहीं कागज कह रहेगा। बोलो महाराज हम तीन आ गया और एक रह गया, तो बोले थे तीनों का हास बनेगा, थे तीनों का हास बनेगा। और जब इतनी बात को सुनकर के भगवान कृष्ण इशारा करता है तो बात आपकी याद आती है फड़ा फड़ा के, और कर्ण खड़ा होता है, कर्ण खड़ा होकर के तो पूरा संत के साथ में युद्ध करता है, और युद्ध करते करते I'm
भाई के फर्क है बहुत बहुत धन्यवाद। नाराज मनाओ जय साहब। देखो यह बात से